हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न विद संजीव सिडाना चैनल पे आपका फिर एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने रीजनिंग की क्लास कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हम रीजनिंग के अल्फाबेट को स्टार्ट कर चुके हैं। आज अल्फाबेट के सेकंड पार्ट में हम कुछ बातें करेंगे। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा था, देखिए वापिस रिपीट कर देता हूँ मैं। हमने ये सीखा कि इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए हमें। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया पी कितने नंबर पे आता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 60 नंबर पे, ठीक है। आगे से और पीछे दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, देखो क्या क्या हमें पता होना चाहिए। वापस लिख रहा हूं, लेफ्ट साइड से या बाईं साइड से, ठीक है, बाईं तरफ से भी हमें इसकी काउंटिंग पता होनी चाहिए, दाईं तरफ से भी पता होनी चाहिए, ठीक है, राइट साइड से भी हमें क्या होना चाहिए इसके बारे में पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछ ले, ठीक है। फिर नंबर्स कि मान लो कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है, कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है, इसकी बात अपने कर चुके हैं लास्ट क्लास में। कौन से नंबर पर आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अपने नेक्स्ट बात कर रहे थे कि बाएं से बाएं, फिर अपने किसकी बात कर रहे थे, बाएं से बाएं की बात कर रहे थे। बाएं से बाएं में मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपको नंबर दिए गए उनको माइनस कर दो तो अपने पास आंसर आ जाता है। जैसे बाएं से 18वें के बाएं 8वां लेटर कौन सा होगा, तो 18-8 10 भी आता है। वो काउंट कहां से करना है, बाएं से। अगर बाएं से दिया है तो काउंट कहां से कर रहे थे हम, बाएं से कर रहे थे। उसी प्रकार देखिए दाएं से दाएं, दाएं से दाएं, दाएं से दाएं भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। और काउंट भी कहां से करते हैं, दाएं से करते हैं। उसी प्रकार बाएं से दाएं में देखिए, नेक्स्ट बाएं से दाएं, बाएं से दाएं प्लस करते हैं, ठीक है। फिर जब पहले बाएं है तो काउंट भी कहां से करना है, आपको बाएं से करना है। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट दाएं से बाएं, दाएं से बाएं में क्या करते हैं, प्लस से करते हैं, और काउंट भी कहां से करते हैं, दाएं से करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कौन सा होगा। मैंने एक वर्ड लिया, ठीक है, मैंने आपको कहा कि सी को हम रिप्लेस करते हैं किसी से। मान लो रिप्लेस करने का आपको क्वेश्चन मिले, मान लो आपको रिप्लेस करने का कोई क्वेश्चन मिले, ऐसे कहा जाए कि सी को हम 6 से रिप्लेस करते हैं, समझते रहना, सी को हम 6 से रिप्लेस करते हैं और के को हैश से रिप्लेस करते हैं, तो इन दोनों के बीच, किन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच 6 और हैश के बीच कितने वोवल्स आते हैं, कितने वोवल्स आते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट क्या, ध्यान से समझिए। C को हम 6 से रिप्लेस करते हैं, एक बार साथ लिख रहा हूं, A लिखा फिर B लिखा, C को क्या लिख दिया हमने, 6 लिख दिया, ठीक है। फिर D E F, K को रिप्लेस किया था G H I J, K को रिप्लेस किया किससे, हैश से रिप्लेस कर दिया। इतना सा क्वेश्चन दिया हमें, तो इन दोनों के बीच मतलब 6 और हैश के बीच कितने वोवल्स आते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वोवल्स कितने होते हैं, टोटल लेटर्स तो अपने कितने थे, 26। टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26, तो वोवल्स कितने हो जाएंगे, 5। वोवल्स कितने होते हैं, 5, कौन कौन से होते हैं, देखिए ए ए आई ओ और यू, 5 वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ और यू। उसी तरह से बात करेंगे कॉन्सोनेंट्स की, बाकी बचे हुए सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, जिसे अपने व्यंजन भी कहते हैं। वोवल को हिंदी में अपने क्या बोलते हैं, स्वर, ठीक है। कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं, व्यंजन, वो कितने हो जाएंगे टोटल, 21। देखो 5 तो अपने वोवल्स हो गए, बाकी बच गए कितने, 21। तो अपना आंसर देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एक ई आ जाएगा, आई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो अपने पास ऑप्शन मिलेंगे 1 2 3 4, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2। समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चंस को रिप्लेस कर करके अपने को डिफरेंट टाइप से दे सकते हैं, तो हमें क्या करने होते हैं, उनके आंसर्स देने होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखो देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको दिया शब्द, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के समझना इसको, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। शब्द पैराडाइज में,
अक्षरों के अक्षरों लेटर्स भी खेल रहे हैं अपने अल्फाबेट के साथ खेल रहे हैं, तो वही क्वेश्चन है अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं। क्वेश्चन देखो कैसे समझिए, शब्द पैराडाइज में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जब हम इन्हें आगे और पीछे दोनों दिशाओं में गिनते हैं या काउंट करते हैं। ठीक है, शब्द पैराडाइज में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जब हम इन्हें आगे और पीछे दोनों दिशाओं में काउंट करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज समझिए, शब्द पैराडाइज में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जब हम इन्हें आगे और पीछे दोनों दिशाओं में काउंट करते हैं, गिनते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन करना कैसे समझिए, देखो मैंने लिखा पैराडाइज, देखो करते कैसे हैं, हमें क्या करना है काउंट करना है, किसको एबीसीडी बोलनी है, बस किस क्या बोलना है एबीसीडी बोलना है। तो मैंने देखो यहाँ पे पी है सबसे पहले, तो पी से स्टार्ट करो, पी क्यू आर, देखो जोड़ा बनना चाहिए जैसे अपने एबीसीडी बोलते हैं, तो इसको क्या मानोगे आप क्यू, तो पी क्यू, पी से बोलना स्टार्ट किया मैंने, पी क्यू फिर आर, आर जैसे अल्फाबेट्स में नंबर वाइज आता है वैसे अपनी जगह पे, तो एक जोड़ा किसका बन गया पी और आर का बन गया, एक जोड़ा किसका बन गया पी और आर का। फिर रुकना नहीं स्टार्ट कर दो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, हमें कुछ नहीं मिल रहा इस तरह बोला, देखो पी क्यू आर का एक मिल गया, फिर देखो एस टी यू वी डब्ल्यू ऐसे बोलना होता है। ठीक है, फिर देखिए ए से A B C D, देखो D अपनी जगह पे आ रहा है, एक जोड़ा किसका मिल गया अपने को A और D का एक जोड़ा मिल गया। उसी तरह से देखिए D के बाद E F G ये भी नहीं है, फिर देखिए R से स्टार्ट करते हैं, R S T U V W में कुछ नहीं मिल रहा है, यहां से दोबारा देखिए R S T U V W कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, फिर देखिए D से सॉरी A से A B C D E, देखो इसका जोड़ा मिल गया हमें A B C D E। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे B C D तो है ही नहीं, लेकिन हमें मानना है इसको, बोलना A B C D के अकॉर्डिंग है, A के बाद B आता है B बोलोगे, फिर C फिर D E, देखो नंबर वाइज हमें एक जोड़ा और मिलेगा, A और E का जोड़ा मिला, तो आंसर यहाँ पे क्या मिला एक जोड़ा और, लिखो आपने A और E का लिख दिया। फिर उसे देखो D से देखो P हो गया A कर लिया, R हो गया A हो गया, P से स्टार्ट करो D E F G कोई जोड़ा नहीं मिल रहा, फिर देखिए I जे के नहीं मिल रहा कोई जोड़ा, फिर एस और टी ये भी जोड़ा हमें नहीं मिल रहा, तो एक साइड से हम काउंट कर चुके हैं, हम कहां से काउंट करेंगे दूसरी साइड से, ई एफ जी एच आई जे के एल कुछ नहीं मिल रहा हमें, फिर वो देखिए एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई यहाँ पे भी कुछ नहीं है, फिर आई से स्टार्ट करो आई जे के एल एम एन ये भी नहीं है, फिर डी से डी ई एफ जी एच ये भी नहीं है, ए बी सी डी ये भी नहीं है, आर एस टी कुछ नहीं, ए बी पी के तो गया, ये देखो हमने दोनों साइड से काउंट किया तो हमें कितने जोड़े मिले तीन जोड़े मिले, तो अपना आंसर क्या आएगा 1 2 3। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन है कि शब्द पैराडाइज में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जब इन्हें आगे और पीछे दोनों दिशाओं में काउंट करते हैं, तो अपना आंसर क्या आएगा तीन। हमें इस तरह से ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट ऑप्शन मिला एक, सेकेंड मिला तीन, फिर मिला चार, फिर मिला आपको पांच, तो अपना आंसर क्या आएगा तीन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हमने कुछ एक्स्ट्रा सीखा, कल आपके पास इस तरह के वर्ड्स होंगे उनकी प्रैक्टिस करना, कल हम इसकी और प्रैक्टिस करते हैं आगे वाली क्लास में, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में भेजने के साथ मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।